नमस्कार दोस्तों, मैं तेजस मौर्य और जो है BW कैंपस में आपका दोबारा स्वागत करता हूँ। मैं पहले भी कुछ वीडियो बना चुका हूँ, उसमें असल में कुछ डाउट्स निकले आपके, तो मैंने कहा कि इस डाउट्स का अगर समाधान इस समय हो जाए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम आने के अपने कगार पे हैं, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, चाहे वह BHU हो, BA हो या जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो आप BW कैंपस का लाइव बैच ज्वाइन करिए और जो व्हाट्सएप नंबर नीचे आपको दिखाई दे रहा है इस पर संपर्क कर सकते हैं लाइव बैच के लिए। तो चलिए डाउट के लिए शुरुआत करते हैं। जो मैंने पिछले दो वीडियो में जो डाउट आए आप लोगों के, बहुत डाउट्स आए, काफ़ी डाउट्स, तो आप अपने अपने जो डाउट्स होगा आप देख लीजिएगा। एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि पेपर का पैटर्न क्या है, क्या उसमें लैंग्वेज होते हैं, निगेटिव मार्किंग प्लस होता है कि नहीं होता है, सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, मार्क्स, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, मतलब आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं बताने क्या वाला हूँ, सिलेबस के बारे में बताऊँगा, बुक्स के बारे में बताऊँगा, हॉस्टल्स के बारे में बताऊँगा, तो एक वीडियो में आपको सारा पता चल जाएगा, तो ज़्यादा आपको कहीं पे घूमने टहलने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आज चलिए शुरुआत करते हैं पेपर कैसे होता है, पेपर कब आएगा, पेपर इस बार कब आएगा, तो चलिए शुरुआत कर देते हैं इसे। पेपर क्या होता है, इसका जो पेपर का पैटर्न होता है वो उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, और पर क्वेश्चन जो होता है वो दो दो नंबर का होता है, मतलब कितने नंबर, 300 नंबर को हो गए। और उसके बाद जो है निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो कोई चिंता मत लीजिए कि दो साल से, क्योंकि पिछले दो साल से निगेटिव मार्किंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हटा दिया गया है, और इस बार आने की संभावना ये है, चल रहा है अभी, जो मैंने दो तीन दिन पहले मुझे पता चला यूनिवर्सिटी से कि वहाँ पे जो है अभी बातचीत हो रही है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या इस बार हमने अकेले के लिए इंडिविजुअल लेंगे या फिर जो है NTA लेगा। तो इस बार सुनने में आ रहा है मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि इंडिविजुअल हो, क्योंकि कोविड का जो चक्कर इसमें अभी एक साथ लेने का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है कि इंडिविजुअल हो। तैयारी आप करिए, उसे दिक्कत मत लीजिए, जैसा भी होगा आप क्लियर कर जाएंगे, इसलिए आपकी तैयारी होना जरूरी है और सही सही चीज़ें पता होनी ज़रूरत है। तो सबसे पहले लैंग्वेज बता देता हूँ कि पेपर का लैंग्वेज क्या होता है। देखिए, पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है, तो सबके परेशानी आप बिल्कुल मत दीजिए, आप चाहे हिंदी मीडियम के हों और या इंग्लिश मीडियम के हों। निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। सब्जेक्ट्स जो होते हैं, आप सब्जेक्ट का एक बार मोटा मोटे बता देता हूँ, सब्जेक्ट का जो होता है सबसे पहले आपका रहेगा उसमें हिंदी या इंग्लिश में आपको एक लैंग्वेज चूज करना होगा, अगर आप हिंदी मीडियम से आप हिंदी चूज करिए या इंग्लिश जो भी। उसके बाद आपको दो सब्जेक्ट और मिलेंगे, एक रीजनिंग होगा जो 25 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, रीजनिंग का, उसका GK होगा जो 25 क्वेश्चन आएगा। तो हिंदी या इंग्लिश में जो आप लिए 25 क्वेश्चन उसका, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन और GK या GS का 25 क्वेश्चन, मतलब कितने हो गए, 75 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद आपको कई सब्जेक्ट्स रहते हैं, 5-6 सब्जेक्ट, उसमें तीन चूज करना रहता है, इन तीनों के बाद तीन सब्जेक्ट और चूज करना रहता है, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फाइन आर्ट्स और संस्कृत में सिर्फ तीन सब्जेक्ट आप चूज करिए। लेकिन ये आप मत सोचिएगा कि ये जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हैं वो आपको एंट्रेंस एग्जाम में पहले फिल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एंट्रेंस एग्जाम के जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें पूछेगा सब्जेक्ट, उससे कोई मतलब नहीं रहता है ये आप, और जो एग्ज़ाम में आप ये जो सब्जेक्ट्स आप जो भरेंगे या जो उसके पेपर देंगे, वो ये भी नहीं है कि वही एग्ज़ाम में आपको जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको वही सब्जेक्ट अलॉट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना अच्छा नंबर लाएंगे उतना अच्छा अपने मनमानी से अपने हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स और संस्कृत में से कोई भी तीन सब्जेक्ट ले सकते हैं, 25-25 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट रहता है, 75 क्वेश्चंस हो गए इसमें और टोटल हो गए 150 नंबर्स, तो टोटल मिला के 300 नंबर हो जाता है। तो इसी हिसाब से आप जान लीजिए कि आपको क्या कौन सब्जेक्ट देना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब आते हैं कि अगर आपको पेपर की जानकारी हो गई, अब आपको समझना है कि सिलेबस क्या क्या है, किसके सब्जेक्ट में कौन सा आसान होगा, क्योंकि आपको नंबर के हिसाब से ही सब कुछ अलॉट होगा, चाहे वो हॉस्टल हो या फिर आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हो। तो आपको जानना जरूरी है कि आप सब्जेक्ट सिलेबस से कितना ज़्यादा आपको देखिए आपको क्या करना है, आपको नंबर ज़्यादा लाना है, आपको सब्जेक्ट में कोई मास्टर नहीं करना है, क्योंकि आप खुद ही को रिजर्वेशन करने जा रहे थे, अगर आपको मास्टर करके जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको सभी सब्जेक्ट की बराबर बराबर अच्छी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और हॉस्टल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट सिलेबस का जो आप है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि जो हिंदी या इंग्लिश के लिए कोई भी आप बुक ले लीजिए, जैसे आप इंग्लिश ग्रामर देना चाहते हैं, हिंदी ग्रामर देना चाहते, मुझे लगता है कि अगर आप हिंदी ग्रामर देते हैं, क्योंकि हर बच्चा शुरुआत से हिंदी ग्रामर पढ़ते हुए आता है, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से क्वालिफाई करेगा, बहुत सरल आता है हिंदी ग्रामर में, यही संधि है, यही सब है, ये जितने चीज़ें हैं, अलंकार है, प्रकाश, ये सब चीज़ें आती हैं, वर्ड है, वावेल है या व्यंजन है, जितनी भी चीज़ें हैं हिंदी ग्रामर में होती हैं वही सब चीज़ें आती हैं नॉर्मल, ठीक है। ऐसे ही ग्रामर में भी आती हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, ये प्रीपोजिशन सारे हो गए, ये सब चीज़ें आती हैं। और उसके बाद आप देखिए आपका क्या मैंने बताया, रीजनिंग,
तो रीजनिंग के लिए बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे कि रीजनिंग के सर कौन सी बुक ले। देखिए आर्यन की दोनों बुकें आती हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के लीजिए या इंग्लिश मीडियम के लीजिए, कोई भी बुक आप ले लीजिए रीजनिंग का, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल करके होता है, तो मैक्सिमम वर्बल का ही आता है। ठीक है, तो उस बात में दिक्कत मत लीजिए। अगर आपको दिक्कत होगी इस वीडियो के बाद कि आपको सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज आपको चाहिए, तो अगला वीडियो टॉपिक वाइज आ जाएगा कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, मेंटल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, या फिर पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, अगला हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, फिर मेंटल एबिलिटी में आइए, मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग बोल सकते हो उसमें वर्बल मैंने आपको बता दिया। जीके जीएस में आपका कुछ भी पूछ सकता है, नॉर्मल जो आपको चल रहा हो इस समय, या फिर आपके जो चीज़ें हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे भी कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन या फिर ऐसा है एक क्वेश्चन है या कौन से क्यों तारे ऐसे होते हैं, जो रीजनल क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल करके, वो सब आते हैं, तो उसमें चिंता नहीं लगेगी। जो तो आपका 75 क्वेश्चंस हो गए जो मैंने बता दिए। ठीक है, हिंदी का बता दिया मैंने आपको, रीजनिंग का बता दिया आपको मैंने, और जीके जीएस का बता दिया। अब आइए तीन सब्जेक्ट आप कौन सा चूज करते हैं। मैंने मान लीजिए आपने हिस्ट्री चूज किया, हिस्ट्री में देखिए बहुत लोग बहुत कन्फ्यूजन रहता है सर हिस्ट्री में क्या पढ़ें, इसका कोई देखिए पहले दिमाग में डालिए, एयू का कोई सिलेबस अपना निकालता नहीं है ऑफिशियल से, वो बताता कि क्या क्या आएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब बता देगा, उसमें आप सबको पढ़ना पड़ेगा। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपका जो है एंशियंट आएगा, मिडाइवल आएगा, उसके बाद आपका मॉडर्न आएगा। ठीक है, तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ मिडाइवल या हिस्ट्री जो भी आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये सिर्फ मॉडर्न पढ़ना पड़ेगा या फिर मिडाइवल, नहीं, पूरी हिस्ट्री आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी पॉलिटी आती है, पॉलिटी में भी जितने नॉर्मल्स होते हैं जैसे प्रेसिडेंट हो गया, कब कभी कैसे बना, राज्यपाल हो गया, अपने जितने अनुसूचियाँ हैं, भाग हैं, जितनी चीज़ें हैं, सारी नॉर्मल चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, नॉर्मल इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, और जो लोग आप आर्ट्स रहे होंगे उनको पता कि इकोनॉमिक्स जो पढ़े हैं उनको ये काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है जो ट्वेल्थ में आर्ट्स लिए हैं। तो ऐसा मैं सोचिए कि अगर आप साइंस वाले तो आप नहीं निकाल सकते, मैं भी साइंस लिया था, मेरा भी निकल गया, पढ़ने की ज़रूरत है, बस आपको उसमें इंटरेस्ट होना जरूरी है। उसके बाद आप चाहे जो सब्जेक्ट ले लीजिए, आप संस्कृत ले लीजिए, मुझे ऐसा लगता है अगर आप हिंदी लिए हैं तो आपको संस्कृत लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी और संस्कृत ग्रामर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि आपको नंबर गेन करना है यहाँ पे, आपका वो नहीं दिखाना कि हम इतना ज़्यादा पढ़ के रखे हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका नंबर क्या है, नंबर आएगा उसी से आपको पहचान होगी, आपके पास कितना ज्ञान वो नहीं देखते वो। तो आप कोशिश करिए अगर आप हिंदी लिए हैं तो संस्कृत लीजिए, क्योंकि दोनों का ग्रामर सेम है, आपका टाइम कम लगेगा और आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक, आप सबसे बड़ा क्वेश्चन आते हैं क्या, हॉस्टल्स का, सर हॉस्टल कैसे मिलता है, फीस क्या है। तो देखिए हॉस्टल कैसे मिलता है, असल में मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना ज़्यादा नंबर उतना हॉस्टल की जो संख्या है वो 1200 के आसपास है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, इतने ही लगभग गर्ल्स के भी पास है। तो बॉयज़ में जो होता है ये नहीं कि सिर्फ BA के लिए बॉयज़, मतलब जो मेन कैंपस पर आगे उनको हॉस्टल मिल ही जाएगा, ये गलतफहमी में मत रहिएगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बहुत कम हॉस्टल्स हैं। BA, BSc, MSc, MCOM या फिर जितने भी और प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, स्कॉलर्स जो आते हैं PhD करते हैं, सबको मिला के हॉस्टल की संख्या 1200 है, 1200 सीटें हैं। तो आप ये दिमाग में डाल लीजिएगा, अगर हॉस्टल चाहिए तो आपको टॉपर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपको डिस्टेंस क्वालिफाई करना चाहिए कि डिस्टेंस काफ़ी दूर हो या घर के पास आप नहीं हैं। और फीस जो है हॉस्टल्स का, ये आप जब हॉस्टल जाएंगे तो 12-13 हज़ार के आसपास है, उससे थोड़ा आसपास ही पड़ता है, ज़्यादा नहीं लगता है। और पूछ रहे थे कि सर ये जो एडमिशन ले लेंगे BA में तो कितनी फीस आएगी। देखिए जब एडमिशन आप ले लेंगे उसमें भी डिपेंड करता है कि आपके जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल कितने सब्जेक्ट हैं। वैसे अगर आपके प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट होगा 1100-1200 रुपये, 1500 रुपये, मैं पर ईयर बता रहा हूँ, बहुत कम फीस है ये, पूरे जितने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे कम फीस आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेता है BA के लिए। ठीक है, तो फीस की तो चिंता मत करिए, फीस तो आप कहीं से भी दे सकते हैं। आप फिर क्वेश्चन पूछना है सर मैं BA भरा हूँ तो क्या BSc भर सकता हूँ। देखिए अगर आप BA भरे हैं फिर BSc भरना चाहते हैं दोनों दे सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग दिन होता है। ठीक है, इससे चिंता मत लीजिए कि आपने BA का पेपर देना चाहते हैं तो क्या BSc नहीं दे सकते, दोनों दे सकते हैं। मेरा एक दोस्त था उसने दोनों दिया था और उसका दोनों क्वालिफाई भी होता, बाद में उसने BSc चूज किया था। तो उसके बाद उसने क्या, एक बहुत लोग का ये पता चला कि उनको नहीं पता है कि BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स में क्या होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, पहली बात तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स होता नहीं है, BA प्रोग्राम ही होता है। और दूसरी चीज़ बहुत जो लोग पूछे कि सर BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम में अंतर क्या होता है। देखिए BA प्रोग्राम BA ऑनर्स में सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन की बात होती है। एक मिनट, आप जो है BA प्रोग्राम में जो है आप दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं लास्ट ईयर में, और BA ऑनर्स में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसमें पूरा क्वालिफिकेशन मतलब समझ लीजिए आप सब्जेक्ट का पूरा ज्ञान हो जाता है। और एंट्रेंस एग्जाम सब्जेक्ट और अलॉटमेंट सब्जेक्ट क्या होगा, मतलब एंट्रेंस एग्जाम कब होगा इस समय, एंट्रेंस एग्जाम मैंने बता दिया आपको, यही मान चलिए कि जुलाई लास्ट या अगस्त तक होने के चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। और अलॉटमेंट कैसे होगा, देखिए सब्जेक्ट जो होता है अलॉट कैसे होता है,
अलॉट हो ना कि नंबर पाएंगे उसका कट ऑफ आएगी, जिस कट ऑफ में आएंगे और जिस कट ऑफ में आपके नंबर आएंगे आप जाइए आपका ऑनलाइन, इस बार तो ऑनलाइन हुआ था तो ऑनलाइन आपका आएगा, सब्जेक्ट अलॉट होते हैं। देखिए ये भी नहीं कि आप ज्योग्राफी के साथ आप कुछ भी ले सकते हैं या हिस्ट्री के साथ कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ एयू का जो है सिस्टम है, इसमें एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन्होंने बना के रखा हुआ है, उसी में से आप जितना अच्छा नंबर पाएंगे उसी में से आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसके बाद पूछा गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये मेरे साथ भी हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एयू जो होता है वो जमा करा जाता है, उसी पेपर होते हैं कि सब जमा कर, तो किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होते। हाँ लेकिन जो पेपर दिया हो, जैसे मैंने दिया है, तो मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ कि हाँ पेपर कहाँ कहाँ से आते हैं, इसलिए मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो आप दिक्कत मत लीजिए, बुक्स के लिए मैंने पहले बता दिया, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप BW कैंपस की लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो लूसेंट जो है आप लूसेंट का आप ले लीजिए, उसमें सब आप पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। और रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया, अध्ययन तो ले लीजिए, बस ये दो बुकें काफ़ी है, आप बार बार रिवाइज करिए, ज़्यादा कोशिश करिए बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो इसी दिमाग में अपना डाल लीजिए। और कोई कन्फ्यूजन मैंने लग ले रहा है, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा और तो आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और दूसरी चीज़, आपको जो सब्जेक्ट अलॉटमेंट की जो लिस्ट है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, वो आपको मैं इसी वीडियो के लिंक में दे दूंगा, ठीक है। तो आप चिंता मत लीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, कोई भी दिक्कत हो आप बताइए, और अगर आपको और भी दिक्कत आ रही है तो आप BW कैंपस के लाइव बैच ज्वाइन करिए, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, आप हर चीज़ को अपडेट रहेंगे और आपका AU बहुत आराम से निकल जाएगा, बहुत कठिन नहीं होता, अपने आप पर विश्वास बना के रखिए। जय भारत।